हेलो एवरीवन वन एंड वेलकम टू अन अकेडमी मेरा नाम है शिवांगी गौतम और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे जो मेगा टेक्सटाइल पार्क्स अभी रिसेंटली जो चल रहे थे एज अ पार्ट ऑफ पीएम मित्रा स्कीम उसके तहत ये जितने भी मेगा टेक्सटाइल पार्क्स आ रहे हैं किस तरीके से टेक्सटाइल सेक्टर को बूस्ट कर सकते हैं क्या क्या इसके प्रोमिनेंट पॉइंट्स होंगे क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट है और क्यों इस पे काम करने के लिए वी नीड गुड आर्टिस एंड टेक्सटाइल जो इंडस्ट्रीज है उसको हम कैसे फेसिलिटेट करवा सकते हैं So, अगर हम बात करें रिसेंटली गवर्नमेंट ने अनाउंस करा था सेवन मेगा टेक्सटाइल पार्क के बारे में विद एन आउटले ऑफ मोर देन फोर थाउजेंड करोड जहां पर यह बोला गया कि जो हमारी पीएम मित्रा स्कीम चलती आ रही है प्राइम मिनिस्टर मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन अपैरल स्कीम इसको फर्स्ट फेज में सेटअप किया जाएगा बजट ऑफ रफली फोर्टी फोर हंड्रेड करोड़ किस रीजन की वजह से इन सात मेगा टेक्सटाइल पार्क को लॉन्च किया जा रहा है किस किस जगह पे इनको लॉन्च किया जा रहा है इसका क्या यूएसपी आप बोल सकते हैं या क्या मेजर सेंटर्स होंगे आज की क्लास में उन सारी की सारी चीजों पे हम डिस्कस करेंगे सबसे पहला सवाल ये आता है अगर सात टेक्सटाइल पार्क्स को लॉन्च करने की बात की गई है तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई चुनौती होगी देर टू बी सर्टन चैलेंज जो भाई इंडियन टेक्सटाइल फेस कर रहा है कहीं ना कहीं से अपैरल सेक्टर फेस कर रहा है तो क्या कपड़ा और परिधान क्षेत्र की चुनौतियां हैं क्या क्या समस्याएं हैं उस उसपे हम ध्यान देते हैं तो जितने भी हमारे माइक्रो स्मॉल या मीडियम एंटरप्राइजेस हैं एमएसई जो एमएसएमई सेक्टर है वो ये बोल रहा है कि राफरी 80 परसेंट टेक्सटाइल्स और अपैरल्स अभी हिंदुस्तान में बन रहे हैं एंड दे आर बीइंग कंट्रोल्ड बाय एमएसएमई फर्दर जितना भी इंडियन टेक्सटाइल है क्लोदिंग यूनिट है सब कुछ कॉटन बेस्ड है दूसरी समस्या ये आती है कि इंडियन टेक्सटाइल और जो क्लोथिंग का एक्सपोर्ट है वो स्टैगनेट हो गया है अब क्योंकि ये मार्केट ही खुद गिर चुका है 40 बिलियन Uh, uh, 44 बिलियन डॉलर्स के अराउंड का ये मार्केट गिर चुका है हमारा एम है कि हम 100 बिलियन का एक्सपोर्ट में रफली uh, हासिल करें पिछले तीन चार साल से जो स्टैगनेशन चलते आ रहा है ये अपने आप में एक बहुत बड़ी दुविधा है क्योंकि हम जहां ये टारगेट लेके चल रहे हैं कि भाई हमारा डोमेस्टिक बिजनेस का टारगेट ढाई बिलियन होना चाहिए दो तक और अगर हमारा एक्सपोर्ट मार्केट भी गिर रहा है हम उसको किस तरीके से बेटर कर सकते हैं वो अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है फिर हमारा जो फाइबर और प्रोडक्ट लाइन एक्सपैंड हो रहा है किस तरीके से करंट परसेंट से हम कोशिश कर रहे हैं प्राइस कॉम्पिटिटिवनेस के लिए हम कैसे कोशिश कर रहे हैं रॉ मटीरियल स्टेज के लिए कैसे हम सस्टेनेबिलिटी ट्रेसेबिलिटी की डिमांड कर रहे हैं फॉर द इंटरनेशनल बायर्स वो अपने आप में एक चैलेंज है जिसको हार्डनेस करने के लिए अभी शायद ऑल अपेरेंट पॉइंट जो हिंदुस्तान की सरकार के पास होने चाहिए शायद अवेलेबल नहीं है दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है फ्रॉम दिस पर्टिकुलर न्यूज आइटम वो ये आती है कि भाई ये जो प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन है स्कीम 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 आई आई थी जो में आई थी जो पीएम क्या है ये scheme? 2021 में ऑफ टेक्सटाइल ने जब इस को लॉन्च करा किस पर्टिकुलर एम के साथ लॉन्च करा क्या क्या सोच के लॉन्च करा पहला चीज जो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने बोली थी 2021 में जब उनके दिमाग में ये स्कीम आई थी वो ये था कि भाई हम किसी भी तरीके से स्ट्रेंथन करना चाहते हैं भारतीय टेक्सटाइल इंडस्ट्री को ताकि हम इनेबल कर पाए स्कीम of operations second चीज जिस पे हम ध्यान देना चाहते हैं हम कैसे लॉजिस्टिक कॉस्ट को चेंज कर सकते हैं हम कैसे एंटायर वैल्यू चेन को एक ही लोकेशन पे लेकर आ सकते हैं हम कैसे इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट कर सकते हैं और एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं ताकि जो एक्सपोर्ट पोटेंशियल है हमारा वो ऑगमेंट हो पाए इसी पॉइंट से प्रधानमंत्री जो मित्रा स्कीम थी उसमें यह बोला गया कि भाई हम स्ट्रीमलाइन करेंगे टेक्सटाइल वैल्यू चेन को एक ही सिंपल uh, इकोसिस्टम में जहां पे स्पिनिंग वीविंग डाइंग प्रिंटिंग गार्मेंट मैन्युफैक्चरिंग सब कुछ एक ही सेंटर पे किया जाएगा अलग अलग, अलग जगहों से कपड़ा नहीं आएगा अलग अलग, अलग जगहों पर ये सारे एक्टिविटीज टेक प्लेस नहीं करेंगे

जितना भी प्रेजेंट जो हम लोगों का प्रोडक्शन है जो भी हमारा प्रेजेंट अगर हम बात करते हैं स्कीम्स आगे, वो हम कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं पीएम मित्रा स्कीम के तहत जो हमारे मेगा टेक्सटाइल पार्क है उसके तहत हम टेक्सटाइल सेक्टर को बूस्ट करना चाहते हैं फार्म फाइबर फैक्ट्री फैशन फॉरन इस विजन के साथ ये जो फाइव एप विजन है ये अपने आप में बहुत जरूरी है कि फार्म से कौन सा फाइबर हमको लेकर आना है उस फाइबर को फैक्ट्री तक कैसे पहुंचाना है वो किस तरीके से फैशन ट्रेंड्स में फैशन का पार्ट बने एंड फ्रॉम देयर हम उसको एक्सपोर्ट कैसे कर सकते हैं इस फाइव एयर पॉलिसी को फॉलो करना है अगर हम बात करें इस ऑल इन वन पार्क की तो ये 2026-27 छब्बीस सत्ताईस तक सेटअप किए जाएंगे ऑल इन वन पार्क्स जहां पे इनका सबसे प्रोमिनेंट काम होगा फाइव एफ पे काम करना स्पिनिंग वीविंग प्रोसेसिंग डाइन प्रिंटिंग मैन्युफैक्चरिंग सब कुछ एक ही लोकेशन पे होगी ताकि हम उस पैसे को बचा के एक्सपोर्ट पे या मार्केट ग्रोथ uh, पे या मार्केट डेवलपमेंट पे लगा सके बाहर के देशों में और एफर्ट होगा कि हम लॉजिस्टिक्स को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं हम कैसे इंश्योर कर सकते हैं कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बढ़ावा दे मेकिंग इट ग्लोबली कॉम्पिटेटिव ये जो पार्क्स से है कैसे सेटअप किए जाएंगे आ इन पार्क्स को सेटअप किया जाएगा उन उन प्रपोजल्स पे जो कि स्टेट गवर्नमेंट देगी जहां पे ऑलरेडी हमारे पास रेडी अवेलेबिलिटी है कंटीगुएस और फ्री लैंड पार्सल्स की कम से कम हजार एकड़ का मिनिमम स्पेस होना चाहिए

सबसे बड़ा सवाल है एक्सपेक्टेशन क्या है पार्क तो बन गए पार्क का आउटले आ गया दिमाग में आ गया कि सात पार्क बनाने देर पहला पार्ट हम इन सात पार्क्स को इन सात टेक्सटाइल पार्क्स को लेकर आना चाहते हैं तमिलनाडु कर्नाटक तेलंगाना एमपी महाराष्ट्र गुजरात और यूपी में जहां पे एक पूरा एंटायर टेक्सटाइल वैल्यू चेन प्रेजेंट हो हम प्लग एंड फ्रे मैन्युफैक्चरिंग को लेकर आना चाहते हैं विद ऑल द कॉमन एमिनिटीज रिक्वायर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट का ये जो बजट है 2027-28 तक स्पेंड होना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट डेवलपमेंट कैपिटल फंड में से 500 करोड़ कम से कम दो पार्ट्स में डिवाइड करेगा जहां पे हम क्रिएशन ऑफ कोर और जो इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट करने का है इन दो चरणों में पैसा डिवाइड किया जाएगा और इसी के साथ साथ एक कॉम्पिटेटिव इंसेंटिव सपोर्ट दिया जाएगा तीन करोड़ का ताकि हम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को यह अमाउंट प्रोवाइड कर पाए यूएसपी क्या होगा इस पीएम मित्रा स्कीम का कि भाई ये एक ऐसा यूनिक इनिशिएटिव है और क्यों पुराने स्कीम से अलग भी है क्योंकि यहाँ पे एनफोसिस होगा लार्ज स्केल प्रोडक्शन पे जहां पे हम सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट को नहीं बट एक फॉरेन मार्केट को भी सपोर्ट करना चाहते हैं हम प्लग एंड प्ले मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स को लेकर आना चाहते हैं बनाना चाहते हैं इंप्लीमेंटेशन होगा इसका बाय द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स जहां पे एफडीआई के लिए ओपन होगा और उन स्टेट्स में लोकेटेड है जहां पे ऑलरेडी टेक्सटाइल सेक्टर काफी इनहेरेंट स्ट्रेंथ है उन स्टेट्स का हर पार्क में एक एफ्लुमेंट ट्रीटमेंट प्लांट होगा जहां पर वर्कर्स को अकोमोडेट किया जाएगा स्किल ट्रेनिंग सेंटर्स होंगे और वेयर हाउसेज भी होंगे टू स्टोर दीज प्रोडक्ट फॉर इजी ट्रेड एंड फॉर इजी प्रमोशन सो आज की क्लास में मेरी तरफ से बस इतना ही स्टेट यून फॉर मॉडर्ट एन अकेडमी लाइक दिस वीडियो शेयर यू कैन एंड डू सब्सक्राइब यूर अडमी यूपीएससीटॉपेबल